अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रिजीन 4TV। मजे मजे के लतीफे सुनकर हंसते और मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एक अनपढ़ एमपीए को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही उसने मीडिया के साथ एक अस्पताल पर छापा मारा। उसने वार्ड में देखा कि दो मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी जबकि तीसरे मरीज को नहीं। वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, दो मरीजों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगाई? डॉक्टर ने वजीर सेहत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ये मरीज पेट्रोल पर चल रहा है। एक मौलवी साहब की दोस्त थी। मौलवी ने 6 बजे मिलने का वक्त दिया लेकिन वो 6 बजे मिलने नहीं आई। मौलवी इंतजार करता रहा मगर वो ना आई। मौलवी से सब्र ना हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर पर ऐलान किया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 10 बज चुके हैं, मोमनो अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं उस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मरतबा कहा तो मौलवी बोला, बहन जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टाप आगे आ चुका हूँ। एक मौलवी खत्म के बाद रो रो के दुआ मांग रहा था, ए मेरे रब शहादत की मौत देना, ए मेरे परवरदिगार शहादत की मौत देना। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी साहब जहाद में तो आपने जाना नहीं, आप ये दुआ मांगे कि हलवे में कोई बम रख जाए। लड़की, मुझसे शादी करोगे? शीदा, नहीं हम शादी अपनों में करते हैं, जैसे अब्बू ने अम्मी से की, भाई ने भाभी से की, बाजी ने बहनोई से, मैं भी अपनी बीवी से करूंगा। बीवी, ये फकीर मरेगा मेरे हाथों से आज। शोहर, क्या हुआ, क्यों बेचारे पर गुस्सा हो? बीवी, कल मैंने उसे सालन दिया और ये आज मुझे खाना बनाने की किताब दे गया है। बच्चा बाप से, अब्बू मर्द किसे कहते हैं? बाप, उस पावरफुल इंसान को जो घर पे हुकूमत करता है। बच्चा, अच्छा तो मैं बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा।